गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर हेल्थी एंड सेफ एट होम। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू वर्कशॉप कर रहे हैं, दैट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब होता है हमारे आजू बाजू जो होता है, हमारे प्लैनेट्स, हम जो अर्थ पे रहते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम। दीज आर सम लिस्ट, जो सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो दीज आर सम लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम लोग पढ़ तो रहे, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, लेट अस सी दैट। द सोलर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्क्यूलर पाथ। इसका मतलब ये होता है, कैन यू सी हियर, यहाँ पे ये सन है और उसके आजू बाजू जो उनके आजू बाजू जो घूमते हैं उनको सोलर सिस्टम कहते हैं, उनको प्लैनेट्स कहते हैं। द सोलर सिस्टम इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द सन, मतलब अगर सन ही नहीं होगा तो ये प्लैनेट्स भी नहीं होंगे। बिकॉज सन हैज़ इट्स ओन लाइट, दूसरे प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है, जहाँ तक सन के पास उसकी खुद की लाइट होती है। रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, मतलब दूसरे जो बाकी के जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन की लाइट की वजह से उनका उनके प्लैनेट पे भी रोशनी आती है। नाउ व्हाट इज सन? सन क्या है? सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन प्लैनेट नहीं है, सन इज द स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। कैन यू सी, सन इज द स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग द सोलर सिस्टम, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो सबसे भारी हुआ सोलर सिस्टम है, सबसे हैवी सोलर सिस्टम है। इट इज द बॉल ऑफ हॉट, इट इज अ बॉल ऑफ हॉट, उसको एक आग वाला बॉल भी बोलते हैं। ओके, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन एक प्लैनेट नहीं है, लेकिन वो एक स्टार है जो हमारे अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रॉक्स 8 मिनट्स टू रीच द सन, इसका मतलब ये इतना नज़दीक है कि उसकी लाइट हमारे अर्थ पे आने के लिए कितनी मिनट चाहिए उसको, ओनली 8 मिनट। हाउ मेनी मिनट्स? ओनली 8 मिनट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम प्लैनेट्स, हमारे अर्थ के आजू बाजू कितने प्लैनेट्स घूमते हैं, सो लेट अस सी दैट। आवर फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, फर्स्ट प्लैनेट इज द मर्क्यूरी। इट इज द स्मॉल प्लैनेट एंड हॉट एंड सॉलिड प्लैनेट। मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट इज स्मॉल, हॉट एंड सॉलिड प्लैनेट। आवर सेकेंड प्लैनेट इज वीनस, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। ये अर्थ हमारे फिफ्थ लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, और हम जहाँ पे रहते हैं इट इज द अर्थ। नेक्स्ट इज मार्स, मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सेकेंड सोलर सिस्टम में सबसे छोटा है, सेकेंड नंबर पे ये सबसे छोटा प्लैनेट है। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम एंड वो अर्थ के साथ सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और सैटर्न के ना आजू बाजू 7 रिंग्स होते हैं। सैटर्न इज कंसिस्ट ऑफ रिंग्स। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम।
नेपच्यून इज द एथ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड वो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा दूर है. फार्देस्ट प्लैनेट मतलब वो सबसे ज़्यादा दूर है. ओके सो थैंक यू. नाउ आई होप यू नो अबाउट अवर सोलर सिस्टम. थैंक यू स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.